नंदू भैया देवता है देवता। अरे थैंक यू। किस बात के लिए? देवता बुलाने के लिए। मैंने तो आपको देवता नहीं कहा। अरे यार अभी तो तुमने कहा कि नंदू भैया देवता है देवता। ओ, वो तो मैं अपने जीजाजी की बात कर रहा था। अच्छा उनका नाम भी नंदू है क्या? नहीं उनका नाम धर्म है। क्या बढ़िया आदमी है। करते क्या वो? अपना बिजनेस है भाई, बहुत पैसा है। और पता है क्या कहते हैं, लड़की को एक जोड़ो दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भाई कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे लड़के। एक बार मुझसे तो पूछ लेता। क्या मतलब? नहीं नहीं भाई, मेरा कहने का जो मतलब था, शादी में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो मैं भी धर्म भाई का काम कर सकता था। अरे यार काम तो सारे कर लिए हैं, बस आप दोनों को आना है शादी में आशीर्वाद देने के लिए, मेरी दया को और धर्म को। मेरे जीजा जी देवता है देवता। कोई इंसान नहीं मिला क्या? क्या कब? सच? कमाल हो गया, वाह वाह वाह। के बाद बड़ा मजा आया। भाई लगता है भाभी को जूस चढ़ गया। अबे जूस तो टेबल पर पड़ा, चढ़ती तो सर पर होती ना। अरे भाई मैं वो सीढ़ियों पे चढ़ने वाला चढ़ना नहीं कह रहा हूँ, मैं वो वाला चढ़ना कह रहा हूँ देखो। ओके। वो चढ़ने के बाद लोग बहकी बहकी बातें करने लगते हैं ना। ओके बाय। पता है नंदू? हाँ पता है, तुम्हें चढ़ गई है। भाभी आपने इस जूस में क्या मिलाया, सच सच बताइए। अरे इसमें तो नमक है। नमक? भाई भाभी ना नमक का नशा करने लगी। ओहो मैं कोई नशा वशा नहीं कर रही हूँ पप्पू। तो फिर ऐसे फोन पर बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी? अरे मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रही थी, एक्साइटिंग बातें कर रही थी, वो भी फिल्मी तरीके से। एक्साइटिंग बातें? भाभी बताइए ना, हम भी उतावले हो रहे हैं सुनने को। कोलकाता में मेरी फ्रेंड है ना, उसकी शादी में ना पूरा दहेज ना देने की वजह से दूल्हा शादी के मंडप से उठकर जाने लगा। हाँ उसके बाद फिर क्या था, अंकल का रो रो के बुरा हाल हो गया, वो लड़की वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ के मत जाइए। यहाँ तक अंकल ने अपनी पगड़ी भी लड़के के पैरों के सामने रख दी और लड़के वालों ने उसे भी ठोकर मार दी। क्या? हाँ। तो भाभी इसमें एक्साइटमेंट कहाँ है, तो ट्रेजिक स्टोरी है। अरे आगे सुनो, आएगा आएगा। फिर अंकल रो रो के सबसे पूछने लगे, कौन मेरी बेटी का हाथ थामेगा, कौन मेरी बेटी का हाथ थामेगा, कौन मेरी बेटी का हाथ थामेगा। और तभी तभी क्या? तभी एक फरिश्ता सामने से आया। क्या बात है? और उसने अंकल से कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ थामूंगा। अच्छा तो लड़की के बाप ने लड़की का हाथ फरिश्ते के हाथ में दे दिया। वही इंसान नहीं मिला उसका भाभी। ओहो पप्पू वो इंसान ही था, एक असली मर्द जिसके लिए औरतों की इज्जत सबसे बढ़कर होती है। अच्छे जी। जो किसी भी लड़की को दुख में नहीं देख सकता। एक्चुअली चंदू औरतों की इज्जत हमारे में भी बहुत बढ़कर होती है। अच्छा मेरी इज्जत तो आज तक तुमने नहीं की नंदू। क्योंकि हम सिर्फ औरतों की इज्जत करते हैं ना। और जस्ट शट अप पप्पू। अरे कुछ सीखो ऐसे महापुरुषों से, ऐसे लोग महान होते हैं, देश की शान होते हैं, भगवान का वरदान होते हैं, तुम जैसे नादान नहीं होते इडियट्स। भाई लगता है राइटर की खोपड़ी खराब हो गई, भाभी को इतनी सारी लाइंस, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चुप करो। वैसे तुम लोग इतना बन ठन के जा कर रहे हो? वो हम लोग पप्पू की दोस्त की बहन की शादी में जा रहे हैं। हाँ भाभी मेरे दोस्त ने भी क्या जीजा चुना है, एकदम मर्द, असली मर्द। और भाभी वो तो दहेज के नाम पे थूकता है। सही करता है वो पप्पू, दहेज के खिलाफ तो मैं भी हूँ, एकदम असली मर्द। शर्म करो नंदू। नहीं चंदू इसमें शर्माने वाली कोई बात है, जो बात गलत है वो गलत है। वाह भाई वाह, I'm so not proud of you, भाई तुमने क्या बात कही है, भाई क्या नेक विचार है तुम्हारे। अरे तो फिर तुमने मुझसे क्यों दहेज लिया? है? मैंने तुमसे कब दहेज लिया? अच्छा ये घर, ये फर्नीचर, ये बर्तन और ये कपड़े, ये सब किसने दिए तुम्हें? मतलब तुम मुझ पर एहसान जता रही हो? नहीं नहीं नंदू ऐसी बात नहीं है। ओहो मैं इसलिए कह रही हूँ यार, तुम कुछ काम कर लो। अरे यार जदू लिख तो रहा हूँ नई स्क्रिप्ट में। कितना लिखोगे भाई कितना लिखोगे? अरे भाई तुम्हारे साथ वालों तो लिख लिख के शो बंद तक कर दिए और तुम अभी तक लिख ही रहे हो, कब तक लिखते रहोगे, कभी तो आगे बढ़ो। बढ़ेंगे क्यों, मुफ्त की रोटियां जो मिल रही हैं। अच्छा तो तुम नंदू को ताना मार रही हो? भाई भाभी तुम्हें ताना नहीं मार रही, भाभी तुम्हारी रेड़ मार रही है। पप्पू चल यहाँ से, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। नंदू इतनी सी बात के लिए तुम घर छोड़ के जा रहे हो?
नहीं नहीं, हम लोग तो बस खाना खा के वापस आ जाएंगे। हा? भाई मैं तो सुना देसी घी में बनना खाना, क्या बात कर रहे, चल पे खत्म हो गया तो बाय बाय भाभी। वेलकम नंदू भाई, वेलकम पप्पू, कैसा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों, तेरी बहन अंधी है क्या? नहीं। दूली है? नहीं। लंगड़ी है? कैसी बातें कर रहा है पप्पू? तो तू ही तो कह रहा है कि तुझे यकीन नहीं हो तेरी बहन की शादी हो रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोग मेरे घर आए हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग फ्री का खाना खाने कहीं भी पहुंच जाते हैं जी। मतलब भाई का कहने का मतलब ये है कि खाने में क्या बना है? अब क्या बताऊं, धर्मजीजा जी ने बरातियों के खाने पे भी खर्च करने से मना कर दिया, कह रहे थे फिजूल खर्ची है, इसलिए हमने खाना नहीं रखा। यार तेरे जीजा जी साधु है क्या, हमारा फुद्दू बनाने में लगे। छोड़ना इन बातों को, आओ ना फिर शुरू होने वाले, आइए ना आइए। ये है वो महान इंसान धर्म जीजा जी। जीजा जी ये है मेरा दोस्त पप्पू और नंदू भैया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई, लेकिन आपको खाने के लिए मना नहीं करना चाहिए था। हाँ क्या क्या बोल के आए थे, भाभी से ये खाएंगे वो खाएंगे, कुछ भी नहीं मिला खाने को जी। मेरा मतलब है कंग्रेचुलेशन। ये सब तो भगवान की दया है। सारी दया अकेले मत हजम कर जाना, थोड़ी सी हम गरीबों के लिए भी छोड़ दो। ये आइडल है मेरे, अगर दिन में दिया लेके भी ढूंढोगे ना तो भी ऐसे महान इंसान नहीं मिलेंगे। मेरी तो एक ही इच्छा है, मैं भी इन जैसा हो जाऊं। इससे पहले तो तुम मर जा। जी जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए। आप पप्पू आओ, नंदू भाई मैं तुम्हें और लोगों से भी मिलवा देता हूँ। अबे हम क्या टीवी पे दिखते हैं जो सबसे मिलवाने में लगा हुआ है। अरे चलो ना, इस बहाने पानी ही पी लोगे। पानी? पानी मतलब तेरे जीजा जी ने कोल्ड ड्रिंक के लिए मना किया है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।